मेरा नाम काजल राहुल कलाइन, मैं नागपुर से हूँ, डिप्टी सिग्नल चिरखली महाराष्ट्र। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा पर बनी रहे। गुरुदेव, मुझे बच्चे नहीं थे, संतान का सुख नहीं था, कई साल बीत गए थे गुरुदेव। बच्चों का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, बच्चे को लाइयो साथ में, लाओ, लियाओ लियाओ लियाओ। मेरे यहाँ बच्चे का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। पर एक बार ऑटो में सफर करते करते एक बहन जी ने मुझसे कह दिया कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, उसका फल नहीं मिला। मैंने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तब मैंने फिर दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव शिव है। 26 जून को मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी दया करी गुरुदेव, कि 12/2/2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। गुरुदेव, मुझे जो संतान हुई वो 8वां महीना भी पूरा नहीं लग पाया था, डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कमजोर होना था, बच्चे में बल नहीं आना था, उसके शरीर में कष्ट रहना था। पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी गुरुदेव, और 8वां महीना भी चालू नहीं हुआ और जो संतान हुई बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हुई, उसको मैं लेकर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी दयाल, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका विश्वास, आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप हरताली का तीज का व्रत कर रहे हो, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, आप पंचमी का व्रत कर रहे हो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, आप जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करें, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण होना चाहिए। उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण, जोरदार ताली बजाना। अरे लुटा दिया